Hey guys, welcome to Next on Mining India. यहाँ पे हर तरीके के फ्यूचर टूरिंग सॉल्यूशंस टेस्ट करे जा रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी फन एक्सपीरियंस क्योंकि हमें भी काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है. सो लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, दिस वाज माय फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद अ हाइड्रो माइनर. ठीक है, तो मेरे को भी काफी डिफिकल्टीज हुई, काफी कंफ्यूजन था, राइट? तो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू शो यू कि अगर आपको एक हाइड्रो माइनर चलाना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? और इसके लिए कैसे चलाना पड़ता है, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा इन दी एंड, वॉज इट वर्थ इट, तो वो सब मैं एंड में बताऊंगा, तो लगे रहना. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो हाइड्रो मशीन रहती है ये सब थ्री फेस मशीन रहती है. जो अपने नॉर्मल एस्टैंडिंग रहते हैं वो सिंगल फेस रहते हैं, ये हाइड्रो वाले थ्री फेस रहते हैं. तो आपको तीनों फेस का इनपुट चाहिए इनको चलाने के लिए. तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे जो मेरा पावर इनकमिंग था यहाँ से मैं ब्रेक करके एक और मैंने थ्री फेस से निकाल लिया, अपने मेन ब्रेकर को ब्रेक करके एक और मैंने थ्री फेस से निकाल लिया, एक बस बार लगा दी यहाँ पे. उस बस बार से आई हैव यूज्ड दिस 4 कोर केबल, 4 mm का फोर स्क्वायर का 4 कोर केबल. तो उसमें क्या रहता है, R/B, तीनों जो फेस के वायर रहते हैं वो भी 4 स्क्वायर के रहते हैं और एक न्यूट्रल का रहता है, राइट? तो वो ब्रेक करके आई हैव ब्रॉट इट हियर, एज यू कैन सी वो बस बार से आई हैव ब्रॉट 4 कनेक्शंस 3 फेस के यहाँ ऊपर. तो ये जो 4 कनेक्शन मैंने निकाले हैं 3 फेस के, तो यहाँ पे मैंने 4 स्क्वायर के वायर को 4 पोल में ब्रेक करा है, 4 पोल MCB में, राइट? तो आई कैन रन 4 हाइड्रो माइनर्स हियर. उसके बाद मैंने इसका केबल सीधा अटैच कर दिया, जो उसका एक 3 फेस का स्पेशल केबल आता है, नॉर्मल आपका C13 केबल नहीं रहेगा. यस, सो इट विल बी हियर, तो आप देख सकते हो. तो इस केबल को यहाँ मैंने डायरेक्टली 4 पोल MCB में कनेक्ट कर दिया है, विच इज कमिंग फ्रॉम दैट बक बार. उसके बाद द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये जो पूरा कनेक्शन है, राइट? तो आपको यहाँ पे ये 2 वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे, ओके? ये पंप से अटैच करना पड़ेगा और ये रेडिएटर को ऑन कर देना पड़ेगा, दैट्स इट. आपको 2 पावर देने पड़ते हैं, एक तो पंप के लिए और एक ये रेडिएटर फैंस के लिए. मैं श्योर नहीं था कि ये रेडिएटर सिस्टम से कितना कूल होगा, बट सरप्राइजिंगली दिस हैज टर्नड आउट टू बी वेरी एफिशिएंट. ज्यादा कोई लाउड नहीं है, जो पीछे आवाज आ रही होगी वो प्रॉब्ली कोई और माइनर से आ रही होगी, बट यहाँ पे देर इज नो नॉइज, इट इज ऑलमोस्ट साइलेंट. बट ऑफकोर्स जो रेडिएटर है इससे पूरी हीट निकलती है, राइट? तो यू ट्राई टू एग्जॉस्ट इट आउट एंड यू शुड बी फाइन. अदर देन दैट इसका अप टाइम नेक्स्ट लेवल है. There are not many errors in the machine, so I am really liking the hydro miner. Okay, and anything else? Yes, always use distilled water. हमने जो distilled water खरीद के रख लिया इतना सारा. अगर आप में से कोई chemistry में next level पढ़ाई कर रहा है तो आप comment करके बताओ कि distilled water पी भी सकते हैं क्या? हम पूरे office में यही सोचते थे कि distilled water को पी भी सकते हैं नहीं. I think पी सकते होंगे, but I don't want to do it. If anyone of you is very great in chemistry, comment below कि can we drink distilled water? So we have used distilled water to fill all these tubes and pump with it. So जिससे वो ठंडा हो जा रहा है. Right? So ये सारे tools हमने यही रख दिए हैं. Of course, one more main thing, ये जो hydro miner रहते हैं, इनके specifically पीछे अगर आप देख सकते हो, I don't think so आप दिखा पाएंगे, but maybe you can try it. आपको specifically यहाँ पे एक earthing का screw रहता है. इसमें अगर आप एक separate earthing ही ले लो अपने main earthing connection से और वहाँ connect कर दो, then that will be best. क्योंकि अगर कुछ भी डिस्चार्ज रहा करंट का वो सीधे ग्राउंड में जाएगा, तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट. तो यहाँ पे 4 इनपुट, यहाँ पे अर्थिंग का एंड दैट्स इट गाइस, बट टू गो टेम्परेचर्स आर वेरी नाइस, 50 डिग्री के आसपास चल रहे हैं हाइड्रो माइनर, राइट? दिस इज वेरी नाइस. प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू गेट सम मोर वॉट्स मैन अगे हाइड्रो टू फिल दिस रैक. अभी के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक सिंगल फेस भी मॉडिफिकेशन कर रखा है जिससे हम सिंगल फेस मशीन भी टच कर सकते हैं. बट ऑल टुगेदर आई एम रियली हैप्पी विद दिस. What do you guys think? अगर आप एक ऑलरेडी हाइड्रो माइनर चला रहे हो, then comment below कि आपको ये सेटअप कैसा लगा है, how I can improve, right? और नेक्स्ट वीडियो में we'll try to cover this immersion setup. इस पे भी काम करना है, if you can just come here. तो इसका मैंने सेपरेटली दूसरे कनेक्शन से यहाँ पे ये इसके स्विच बॉक्स लगा दिए, जिसपे I'll be connected this immersion setup और आउटडोर यूनिट बाहर रख दूंगा ताकि आवाज वो भी आइसोलेट हो. That's it for this video guys. आप लोग कमेंट करो कैसा लगा ये वीडियो. That's it for this video. Take care, all the best.